लगभग 2 वर्षों से निर्माणाधीन फोर लेन से आम जनता त्रस्त है तथा आसपास रहने वाले लोगों का जनजीवन व कारोबार भी इस समय ठप पड़ा है। मानसून का मौसम शुरू होते ही कंपनी द्वारा जहां तहां किए गए गड्ढों में सड़क का पानी तथा कीचड़ भर रहा है, जिससे आम जनजीवन बेहाल हो रहा है। लोगों का कहना है कि हमारे घरों के बेडरूम से लेकर किचन तक फोर लेन का कीचड़ घुस रहा है, लेकिन एसी कारों में घूमने वाले अधिकारियों तथा निर्माणाधीन कंपनी के ठेकेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या वेंडर इस समय प्रशासन तथा सरकार पर हावी हो रहा है? नूरपुर के बड़वार में बीती रात हुई बारिश में जब कीचड़ लोगों के घरों तथा दुकानों में घुसा तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि बाजार में शादी वाले घर के सामने तालाब जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी तथा आसपास की दुकानों में कीचड़ घुस जाने से लोगों को परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान का भी उठाना पड़ रहा था। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यही हाल रहा तो आम जनता को एकजुट होकर कोई ठोस कदम उठाने होंगे तथा निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की भी चेतावनी लोगों द्वारा दी गई। हिमाचल प्रेस सुशली नूरपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मनेरी शॉप का काम करता हूँ, 4-5 महीने से पानी अंदर जा रहा है। मैं एक हैंडीकैप हूँ और 40-50 हज़ार का नुकसान मेरा हो चुका है। अभी क्या एक अपील आप सरकार से और प्रशासन से करना चाहेंगे? ये अपील मैं सरकार और प्रशासन से करना चाहता हूँ कि इसका मुआवजा कौन देगा जी। ठीक है, हमारे यहाँ पर फोर लाइन की वजह से काफ़ी पानी और चिक्कड़ वगैरह सारा अंदर घुसा है, सब सारे बिस्तर वगैरह सारे खराब हो गए। हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या समस्या? नमस्कार, मेरा नाम पंकज शर्मा है, मैं भड़वार क्षेत्र का निवासी हूँ और आए दिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना बुरी हालत हो रही है। देखिए, हमें यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है, घरों में पानी अंदर जा रहा है, दुकान में देखिए अगर आप देखिए तो सारा का सारा सामान खराब हो चुका है। मेरे अभी 2 दिन पहले मैरिज थी, मैरिज से पहले हमने 1 महीना पहले रिक्वेस्ट किया प्रशासन से कि आप प्लीज़ इस रोड को ठीक कीजिए। अगर आप देखिए थोड़ा कैमरा को इस तरफ अगर आप दिखाओगे तो आप देखिए कि कितनी बुरी हालत है। अब ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ से। प्रशासन को हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद 1-1.5-2 महीने से इनको रिक्वेस्ट किया, लेटर डाला, अखबार पे भी डाला, हर एक जगह पे न्यूज़पेपर में भी निकाल के दिया, फिर भी प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। और हमने काफ़ी बार इनसे बोला कि आप ये देखिए, हमने जब इन्होंने सुनवाई करना बंद कर दी उसके बाद हमने यहाँ पे अपने खुद से ये एक अपना ब्लॉकेज लगवाई है जिस वजह से पानी अंदर ना आए, लेकिन बावजूद उसके कल भारी बारिश होने के बावजूद पानी अंदर गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई कल को इंसिडेंट होता है तो उसका कौन जिम्मेवार है? लोकल प्रशासन जिम्मेवार है, कोई फोर लेन के इंचार्ज जिम्मेवार है, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम ये बार बार एक ही बात बताते हैं, कॉन्ट्रैक्टर चला गया, उसमें हमारा फॉल्ट क्या है उसका? पिछले 5-6 महीने से इस चीज़ की दिक्कत आ रही है हमें, ना यहाँ पे कोई रास्ता है। ये देखिए, हमने अभी 10 दिन पहले इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इस चीज़ को यहाँ पे बना दीजिए रास्ते को, यहाँ से वापिस आना पड़ रहा है, घरों तक जाना पड़ रहा है। अगर इन केस किसी का कोई पैर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, अब ये देखिए ये खोल दिया गया है, ये देखिए ये हालत है जी घरों की। ये घर का गेट है शादी वाले घर का और ये आगे का एरिया है। अच्छा, जिस तरह से अभी की हाल ही में आपने बताया कि शादी और टेंट वगैरह जो अभी खुल रहे हैं, गाड़ी भी आपकी जो है वो दूल्हे वाली बाहर लगी हुई है, जी, जी, जी। क्या कुछ परेशानियों का सामना जो है आपको इस दौरान करना पड़ा है? सर, कितना परेशानी का, आप देखिए ना कैसे आना है यहाँ से। मैं कहता हूँ वहाँ से भी आना दिक्कत वाली बात है, यहाँ से जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं सारे यहाँ पे सबके पैर स्लिप हुए हैं। ये देखिए ये जो है ये सब टूटा हुआ है, ये सिर्फ टेम्पररी बनाया गया है सिर्फ आने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, सुबह सुबह भी 2-3 लोग यहाँ पे गिरे हैं, कुछ लोग पानी में भी गिरते हैं। ड्रेन निकालने को कहा था, कोई बीमारी का खतरा है, बरसात का दिन है। आप ये देखिए, आप सारा यहाँ पे फुटेज लीजिए, ये बीमारी का खतरा भी है, पानी इकट्ठा हो रहा है, कोई मतलब प्रशासन को किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। ठीक, हम एक रिक्वेस्ट आपसे मजबूर होके कर रहे हैं कि बरसात जो है वो शुरू हो गई है, हाँ। अगर भारी बरसात में कोई भी डैमेज होता उसकी भरपाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा या फोर लेन वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो करेगा, तो कभी ये मौका बंद नहीं आता है और सड़क की बहुत बुरी हालत है। अभी आज की स्थिति में क्या किसी को सूचना दी गई है यहाँ से प्रशासन या किसी लेन वाले को? मैंने इंचार्ज किया, अभी तक वो नहीं है, बिपन को इनका इंचार्ज है, उसको फोन किया मैंने, मौका देखा कि अभी तक नहीं आया। अब फिर फोन किया गया, मैं आ रहा हूँ, आ जाएगा कर देंगे,
वो बोलते हैं जो लड़के दुकान वाले हैं बेकरी वाले वो नहीं निकालने, उनको मैंने पूछा है वो कह रहे हैं कि हमने कोई इनकार नहीं किया नाले निकालने के लिए, तो झूठ बोल रहे हैं फोर लेन वाले और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर जनता इकट्ठी हो गई तो कुछ भी हो सकता है लोगों के साथ, जिस तो हमारी यही आपसे प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है, जब हमारी ड्रेन से पानी निकल जाए, बेशक पक्की नाली बाद में बने, टेम्परेरी छोटी नाली बनाई जाए ताकि जब पानी निकल जाए, पानी की समस्या बिल्कुल, पानी रोड पे डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बिल्कुल, ये प्रशासन भी देख रहा है, डेली आप देखो यहाँ पे हर रोज गाड़ी। SDM साहब से हमारी विनम्र प्रार्थना है, या तो मौका पर देखे और हमारी समस्या का समाधान करें, उन पर हमें पूरा विश्वास है। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी बताइए क्या समस्या है। मैं सतीश शर्मा रिटायर्ड प्रिंसिपल बुढ़वार जी, हमारी आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से फोर लेन वालों से ये रिक्वेस्ट है, 6 महीने से हम लोगों को बोल रहे हैं इन्होंने कच्ची नालियां निकाल दी हैं, पानी जो है लोगों के घरों के अंदर बेडरूम के अंदर दुकानों के अंदर जा रहा है, इनको फोन किया जा रहा है परंतु ये परवाह नहीं करते हैं, विश्वास लेके चले जाते हैं, कल बारिश हुई आज बारिश आई 2-2 फुट पानी दुकानों के अंदर और पानी भी कीचड़ वाला, तो बड़ी परेशानी है। हमें जे आपसे ये बड़ी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारी समस्या का हल किया जाए और पानी का कम से कम फोर लेन की नालियां तो बन जाएंगी पर निकासी का इंतजाम टेम्परेरी कर दिया जाए। तो अभी तो जिस तरह से जी बरसात शुरू हुई है और 1-2 बारिशें ही हल्की फुल्की बिल्कुल बिल्कुल, तो भारी बरसात में फिर अगर भारी बरसात में कोई भी नुकसान होगा इसकी जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डैमेज का क्लेम हम एडमिनिस्ट्रेशन से और फोर लेन वालों से करेंगे, FIR भी दर्ज कराई जाएगी इनके खिलाफ। हम नहीं चाहते ऐसा स्टॉप लेना परंतु हम भी तंग हैं, या मौका आकर फोर लेन वाला जो इंचार्ज ठेकेदार है या ग्रोवर या खुद देखे आके इसके इम्प्लाई से प्रोवाइड करते, तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी समस्या का हल किया जाए, हम कोई भी सीरियस स्टेप नहीं उठाना चाहते, हमारी ये प्रॉब्लम हल करो, प्रेस से भी हमारी ये रिक्वेस्ट। थैंक यू। ठीक है जी। नमस्ते जी। हमारे घर में शादी थी, देखो आके ये क्या हुआ, देखो कितना पानी है, कितना अंदर तक पानी गिरा है, तो दुकान में भी पानी है, अंदर भी कम पानी, कैसे हम चलना था, कैसे उधर उधर जाना था, सामान बहुत खराब हो गया, सारा अंदर सामान खराब हो गया, तो देखो आके ना देखो ना इतना नर्क पे आ गया था, कीड़े मकोड़े चल पड़ो ना और बीमारी फैल जाएगी। मेरी दुकान में भी सारा पानी घुसता अंदर आके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा इसका समाधान करें, पानी के निकास का प्रबंध, पानी के निकास का प्रबंध, ठीक है।